हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से पुराने प्लांटर को कैसे नया लुक दे सकते हैं, जिससे प्लांटर भी बहुत सुंदर दिखे और हमारे घर को हम डेकोरेट बहुत अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लांटर को साफ़ कर लूँगी साफ कपड़े से। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक वर्ली पेंटिंग का स्केच ड्रॉ किया है और मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी और 0.0 ब्रश से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी बनाना। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर का एक्रेलिक कलर लिया है और मैंने यहाँ पर जो भी ट्रायंगल बनाए थे उनमें मैं ये वाइट कलर को फिल कर दूंगी। वारली पेंटिंग एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मूलतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म, धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। वारली पेंटिंग में जो कलर होते हैं वो मिट्टी के कलर, मतलब ब्राउन कलर का बेस होता है उसका, और उन पर उकेरी गई जो डिज़ाइन होती है वो वाइट कलर की होती है। तो यहाँ पर मैंने जो पॉट लिया है वो मैंने ब्राउन कलर का ही लिया है, और ब्राउन कलर का ना भी हो तो आप उस पर ब्राउन कलर करने के बाद में वाइट कलर से उसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करी है। मैंने इस पेंटिंग में फेस्टिवल की थीम दी है, तो फेस्टिवल में क्या होता है, कुछ लोग डांस वगैरह करते हैं, ढोल वगैरह बजता है, तो मैंने यहाँ पर फेस्टिवल की थीम फॉलो की है। तो ये मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर एक लड़का है जो ढोल बजा रहा है। वारली पेंटिंग बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने में लोगों के घर कच्चे होते थे, मिट्टी से बने हुए होते थे, तो वहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ तो वो अपने घरों में इस तरह से वारली पेंटिंग को करके अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे। तो पहले का जो डेकोरेशन होता था वो यही होता था, वो लोग पेंटिंग ही करते थे। कुछ भी शादी हुआ, फेस्टिवल आया, तो हर टाइम पे वहाँ पर अलग अलग तरीके से हमें पेंटिंग मिलती थी। तो वारली पेंटिंग उसमें से एक है जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। मुझे तो है ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मुझे पेंटिंग करने से ना बहुत रिलीफ महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करने से। आप भी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने पहले एक मटका भी पेंट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक करना मैंने किस तरह से मटके को, ओल्ड मटके को बहुत अच्छा सा एक नया लुक दिया है, और वो इतना अच्छा लगता है ना, मैंने उसे प्लांटर बना करके रखा है। और मैं आपको उसका लिंक आई बटन में भी देती हूँ, आप वहाँ पर प्रेस करके भी आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो वीडियो कैसा है। और आपके पास भी पुराना मटका हो तो आप ट्राई करना उसको बनाने का। और हाँ, अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करो मेरे वीडियोस को, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बातें करते करते पता ही नहीं चला और ये पेंटिंग पूरी होने आई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बॉय जो डांस कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। वारली पेंटिंग में अधिकतर ट्रायंगल्स वगैरह हो गए, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो होते हैं ना वही यूज़ होता है। तो यहाँ पर अधिकतर आपको ट्रायंगल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, सर्कल है, इस तरह से ही ये वारली पेंटिंग बनती है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल वापस से बनाऊंगी। ये बहुत अच्छे होते हैं और ईजीली बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको। और ये देखो, अब मैंने छोटे छोटे बनाना स्टार्ट किए छोटे वाले ट्रायंगल, तो इससे और ज़्यादा इन्हेंस होगी इसका ब्यूटी। तो ये मैंने लास्ट कर लिया है, अब आपको बताती हूँ मैं इसका पूरा फुल फाइनल व्यू। तो देखिए आप इसका फुल फाइनल व्यू और बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा, और आप भी आपके घर पे बनाइए। तो हमने ये फिनिश कर लिया है, तो ये है इसका फाइनल लुक। Thank you.
तो मैं यहाँ पर एक और पेंट करने वाली हूँ पॉट, तो उसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर और फ्लैट ब्रश लिया है। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर से पूरे पॉट को वाइट बेस दे दिया है। तो ये बेस पे मेरे को फर्स्ट टाइम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो मैंने 2-3 कोट्स इस पर किए अप्लाई किए हैं, तो उसके बाद में थोड़ा अच्छा सा कोट आया है। उसके बाद में मैंने रेड कलर लिया है और छोटे वाला जो ब्रश रहता है उससे मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से फ्लावर डिज़ाइन किया है। आप उस जो वाइट कलर का बेस है उसको सूखने देना, उसके बाद में ही नया कलर लेकर के पेंट करना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के कलर से फ्लावर्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मैंने बहुत इजीली फ्लावर्स बनाए हैं जो हर कोई ड्रॉ कर सकता है, छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों को भी ये बेसिक पेंटिंग है। तो बेसिक पेंटिंग तो बच्चे भी कर लेते हैं, जब भी आप करो तो आप आपके बच्चों के साथ में करो और उनको इन्वॉल्व करो इन चीज़ों में, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनका भी टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड वाला फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत इजी वाले पेंटिंग आइडियाज़ लिए हैं क्योंकि हर कोई इसको कर सकता है, जिसको पेंटिंग नहीं आती है वो भी और जिसको आती है वो भी, और जिनको नहीं आती उनके लिए तो फ़ायदा ही है कि वो आराम से देख कर के अच्छे से कर सकते हैं। बेसिक पेंटिंग है तो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बनाने के बाद में स्टेंस बना ली है, तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर से मैंने स्टेंस बनाई है और ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर लीफ का पैटर्न दिया है। तो यहाँ पर मैं पूरे स्टेन पे लीफ बना लूँगी। आप चाहें तो अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं, कुछ अलग से क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं आप इसमें। मैंने इसे सिंपल रखा है क्योंकि सिंपल चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो वैसा अब यहाँ पर लीफ पैटर्न पूरा करने के बाद में मैं यहाँ पर मैं छोटे छोटे डॉट्स लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने गोल्डन कलर लिया है और यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट किए हैं जिससे और ज़्यादा इन्हेंस हो ब्यूटी उसकी। और बाद में मैंने अलग कलर से मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाया है, तो उसके लिए मैंने लिया है पिंक कलर, डार्क पिंक कलर जो होता है वो लिया है। उसके बाद में मैंने ऑरेंज कलर लिया है। ऐसे आपको जो भी कलर पसंद हो ना उससे फ्लावर्स बनाइए, अलग अलग डिज़ाइन बनाइए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पेंट किया है। पेंटिंग पूरी होने के बाद में आप उस पर वार्निश का कोट ज़रूर लगाएं जिससे आपकी ये जो पेंटिंग है वो कभी ख़राब नहीं होगी, पानी वगैरह भी लगेगा तो उससे ख़राब नहीं होगी, नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी लगने से कलर वगैरह निकल जाते हैं। इसलिए आप उस पर वार्निश लगाएं जिससे आपको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी पेंटिंग वैसी की वैसी रहेगी। तो ये हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत कलरफुल कलरफुल कितना प्यारा लग रहा है। अब फिर मैं इस पर ना वाइट गोल्डन कलर के डॉट्स वापस इनमें जो बाहर जो खाली जगह रह गई है वहाँ पर मैं डॉट करूँगी, छोटे छोटे डॉट्स लगाऊँगी गोल्डन कलर से, तो इससे वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये डॉट्स लगा लिए हैं और ये है इसका फाइनल लुक।
तो यहाँ पर मैंने वापस से कलर लिया है, तो गोल्डन कलर लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं अलग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक ब्रश के अंदर गोल्डन कलर लिया है और उसको मैं स्पार्कल कर रही हूँ। जो स्पार्कल टेक्निक होती है ब्रश से करते हैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से, आप यहाँ पर इस तरह से स्पार्क कर सकते हो। तो ये है इसका लुक, और इतना ब्यूटी लगती है ना, बहुत एलिगेंट लगता है। अब इस पर मैं ग्रो का एक साइन बना दूंगी, तो मैंने वाइट कलर से यहाँ पर ग्रो लिखा है, GROW। तो आप यहाँ पर कुछ भी कोटेशन लिख सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता हो। मैंने यहाँ पर ग्रो लिखा है, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डिज़ाइन भी बनाई है, तो आप जैसा चाहें वैसे डिज़ाइन दे सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइन बनाई है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा दिखता है, सिंपल सा है, हर कोई कर सकता है, और बच्चे तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है ये वाली टेक्निक में, बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये था, अब मैंने यहाँ पर एक जूट रोप ली है और उसको यहाँ पर टाई कर दिया है, उससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये प्लांटर ले लिया है और उस पर मैंने ऐसे ट्राइंगल्स बनाए हैं, तो उसमें मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, और एक प्लांट एक सीधा वाला ट्राइंगल बनाया है, उसके बाद में मैंने एक इस तरह से उल्टा वाला ट्राइंगल बनाया है। तो इस तरह से मैंने बनाया है, और बीच में मैंने यहाँ पर वाइट कलर से पेंट कर दिया है उसको, तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं ना, ये आजकल सिरेमिक में बहुत ज़्यादा इन है, तो वहाँ पर से देख करके मैंने बनाया है। आप जो क्रॉकरी वगैरह लाते हैं ना, उसमें आजकल ये वाली डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन है, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको प्लांटर पे ही यूज़ कर दिया जाए। तो ये हो गया यहाँ पर फिनिश, और अब मैं यहाँ पर ऊपर वाइट कलर की ड्रॉ कर दूँगी लाइन, और वैसे ही मैं दूसरी साइड पर भी मैं वैसे ही वाइट कलर से पेंट कर दूँगी। तो यहाँ बातें करते करते अपने तीनों चारों DIYs कंप्लीट होने आए हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में यहाँ पर वाइट कलर से पेंट कर दिया है, क्योंकि ये खाली खाली जगह सी लग रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी वाइट कलर कर ही देती हूँ। तो ये हो गया फाइनल लुक। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप ट्राई करो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।